ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर कॉगनेटिव बिहेवियर थेरेपी इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर को थ्रू काग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी हम किस तरह डील कर सकते हैं उसके अंदर वी कैन जूज अ मल्टीपल लाइक टेक्निक्स ऑफ सी बी टी आई विल डिस्कस टू ऑफ दम लाइक काग्नेटिव री स्ट्रक्चरिंग एंड कॉस्ट बेनिफिट अनालसिसिसिस पहले मैं आपको कॉस्ट बेनिफिट अनालसिसिसिस बताती हूँ देन वी विल गो टू वर्ड्स द काग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये होता है कि वी आस्क द चाइल्ड के जो बिहेवियर वो एक्सिबिट कर रहा है वो एक चार्ट ड्रा करें फॉर एक्जाम्पल इस तरह और एक तरफ जो भी बिहेवियर वो आ, कर रहा है उसकी उसको कॉस्ट क्या मिल रही है और उसका बेनिफिट उसको क्या हो रहा है अगर तो वो ये देखेगा कि जो बिहेवियर वो एक्जिबिट कर रहा है उसके कॉस्ट ज़्यादा हैं और बेनिफिट कम है तो हम उसको ये कहेंगे कि डू यू थिंक कि जिस चीज़ के कॉस्ट ज़्यादा हो वो बिहेवियर आपको एग्जिबिट करना चाहिए या वो जिसके बेनिफिट ज़्यादा हो तो इन दैट वे वी आर एबल टू मेक हिम रियलाइज़ कि जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर है उसके उसको बेनिफिट्स कम है तो ही और शी शुड अडॉप्ट एडोप्टज बिहेवियर जिसके उसको बेनिफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो इस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू हम बहुत हद तक बच्चे को जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इन विच वे ही और शी शुड अबिहेव कामली उसके बाद हम बात करते हैं काग्नेटिव रीस्ट्रक्चरिंग की कॉग्नेटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का थाट पैटर्न है हमने उसके ऊपर काम करना है अब थाट पैटर्न के ऊपर काम करने के लिए जो बैक है वो बात करता है काग्नेटिव डिस्टॉशन की इसके अंदर पहला स्टेप ये होता है कि आप बच्चे को ये कहते हो कि आपने जो भी एक्टिवेटिंग इवेंट था यानी जो भी सिचुएशन थी ए बी एंड सी अगेन ए बी एंड सी इसके अंदर आपने ये रिपोर्ट करना है कि क्या इवेंट हुआ था उस दौरान बी स्टैंड फॉर बिलीव दैट इज़ द थॉट प्रोसेस आपके जहन में क्या सोच आई एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए यानी आपको एंगर फील हुआ या कोई और बिहेवियर डिस्टर्बशन थी जो भी था वो आपने यहाँ पर रिपोर्ट करना है इस कॉलम के अंदर जो बी है जो उसका थॉट पैटर्न है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने बच्चे को काग्नेटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में बताना होता है ये वो काग्नेटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं जो कि बेसिकली लीड करती हैं टूवर्ड्स द एग्रेसिव बिहेवियर इसमें हम बच्चे को ये सबसे पहले एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशन है वो वैसे ही रहेगी लेकिन अगर आपका थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो जाए तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो चेंज हो सकते हैं ठीक है तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट चेंज द ए बट वी कैन चेंज द थाट्स विच अल्टीमेटली ब्रिंग द चेंज ऑन सी तो दैट इज नॉट समथिंग दैट ए लीड टू सी दैट इज समथिंग दैट बी लीड टू सी तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड वी नीड टू बी टल दिस थिंग टू द चाइल्ड ताकि उसको ये समझ लगे कि उसके जो थाट प्रोसेस है वो किस तरह कॉन्सिक्वेंस डेवलप करता है और किस तरह उसके इमोशन् जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑन थाट प्रोसेसिंग फिर हम इसको बात करते हैं कि कागनेटिव डिस्टोर्शन हैं विच आर क्वाइट फ्यू इन नंबर मैं यहाँ पर कुछ कागनेटिव डिस्टोरशन जो हैं वो आपसे डिस्कस करूँगी और ये कागनेटिव डिस्टोरशन जो हैं ये हमने चाइल्ड को बताने होते हैं ताकि वो एबल हो सके अपने थॉट पैटर्न में इन डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने में उसके बाद वो इसके ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप कर सकेगा फॉर एग्जाम्पल वो लोग जिनको एंगर का प्रॉब्लम होता है वो यूजुअली ब्लेमिंग बहुत करते हैं ब्लेमिंग का मतलब क्या है यू यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन इट्स योर फॉल्ट यू नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम यानी आपने अपने के ऊपर ब्लेम uh, नहीं देखते वो ये नहीं देखते कि उनका क्या प्रॉब्लम है रादर उनका थाट पैटर्न ये होता है कि दूसरों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है तो ब्लेमिंग अदर जो है दैट इज द कॉगनेटिव डिस्ट्रॉशन जिसको हमने बच्चे को रियलाइज़ कराना होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि आइदर उसके साथ ये प्रॉब्लम तो है या नहीं है देन इसको हम कहते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम दैट आई यूज ब्लेमिंग एस यानी वो ऐसे इवेंट को आइडेंटिफाई करे जब उसने ये किया था एंड व्हाट आई कैन डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम और फिर उसके साथ ही उसने रिस्पॉन्स ये लिखना होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या चीज़ डिफरेंट कर सकता हूँ ठीक है इसी तरह मैग्नीफाई यानी एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके देखना तो इसी तरह उसे कहा जाता है कि अपने थाट्स में से वो आइडेंटिफाई करे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो एक्चुअली छोटी सी थी लेकिन उसने उसको बहुत ह्यूज प्रॉब्लम बना लिया है इसी तरह ग्लोबल ब्लेमिंग जैसे यू आर टोटली हॉरेबल ठीक है जिस तरह हम फौरी तौर पर दूसरे लोगों को लेबल कर देते हैं यू आर स्टोपट ठीक है तो इस किस्म की ग्लोबल लेबलिंग तो नहीं वो कर रहा इस किस्म की चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कराई जाती हैं देन द माइंड रीडिंग लाइक एज्यूमिंग क्या चीज़ दूसरा शख्स सोच रहा है मुझे पहले ही पता था और उसकी बेसिस के ऊपर कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर लेना देट इज़ वेरी मच कॉमन इन दो पीपल हु हैव द एगर प्रॉब्लम दैन द डिमांडिंगनेस यानी जो चीज मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह चीजें और अगर उस तरह नहीं होंगी दैन डेफिनेटली आई है राइट टू गेट मैड तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी बेसिकली कॉगनेटिव डिस्टोशन हैं इन चीज़ों के बारे में हमें क्लाइंट को बताना होता है जब हम उनको बता देते हैं देन वी आज देम टू थिंक ऑल्टरनेटिवली विच कैन हेल्प यू टू थिंक इन अ मोर रैशनल ग्राउंड ठीक है तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो काग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हम यूज करते हैं थैंक यू